हुक्म हुआ, बापुदा मेरी ख्वाहिश नहीं बची थी कि मैं आके आपसे खिताब करूं, क्योंकि मैं खुद खिताब सुनकर इतना मुतमईन हो गया। अभी सलामत भाई ने बहुत दलाइल के साथ, सबूतों के साथ सारी बातें रखी, लेकिन चूंकि हुक्म है तो वो उसको बजा लाना है। देखिए, इंसानियत अच्छे रहबरों की तलाश में दुनिया की तमाम कौमें, तमाम ममालिक और तमाम शहर और उसमें रहने वाले इंसानों की ये ख्वाहिश है कि उनके जो रहबर हों, जो उनके सरपरस्त हों, जो उनके लीडर हों, जो उनके कायद हों, वो उनकी ज़िंदगी के काफ़िले को मुसर्रतों और खुशगवार फिजाओं से गुजारें। इंसानियत पर जो अजाब आ रहा है, जो मुश्किलात आ रही हैं, जो करप्शन है, जो बदतमीज़ियाँ हैं, जो फ़िरका परस्तियाँ हैं, जो फिसाद हैं, ये इंसानियत के तकाज़ों के ऐन ख़िलाफ़ हैं। आज हम नहीं, इस्लामिक सेंटर के मेंबरान नहीं, बल्कि आप तमाम दुनिया में देखेंगे तो इंसान फितरी तौर पर इंसाफ और हक की बात चाहता है, और वह चाहता है कि जो उसका रहबर हो, जो उसका कायद हो, जो उसका लीडर हो, जो उसके मुल्क का सरबरा हो, वो चाहे महल्ले का एक कॉरपोरेटर हो या किसी गांव का प्रधान हो या शहर का मेयर हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसके साथ इंसाफ हो, उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत ना आ जाए कि जिससे वो और उसके आने वाली नस्लों को परेशानी हो। आज जो मुल्क का माहौल है, आज जो फिजा है, जिस तरह मुकद्दर किया जाता है फिजाओं को, ये किसकी देन है? ये हिंदुस्तान में पिटी हुई, थकी हुई सियासत की देन है कि आज हिंदू क्या, सिख क्या, मुसलमान क्या, तमाम कौमें इस बात से आजीज और परेशान हैं कि उनको किस तरह से वरगला कर, कभी मजहब के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गुरुद्वारों के नाम पर, इंसानों के बीच में तफरीक फैलाकर फिसाद और दंगों के लिए फिजा साजगार की जाती है। ये किसकी देन है? ये घटिया सियासतदानों की देन है। वो गांधी जी का पैगाम, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का पैगाम, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की और शहीद अशफाकुल्लाह खां की उन कुर्बानियों के ऐन खिलाफ चला जाता है कि जिन्होंने ये कहा कि अहिंसा रहनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, ईमानदारी बाकी रहनी चाहिए, लेकिन मुल्क में थकी हुई सियासत ने इंसानों को मजहब के और बिरादरियों के नाम पर तकसीम करके ऐसी फिजा को कायम करने की कोशिश की है कि जिससे हम आपस में बटे रहें और हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। आज इस माहौल में कि जब फिजाओं में घुटन है, जब हम खतरों को महसूस कर रहे हैं, जब दबे पांव वो सियाह बादल हमारे सरों पर मंडरा रहे हैं कि जो मुल्क के भविष्य और उसकी तरक्की और इसके मुस्तकबिल को तारीख कर देना चाहते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी आंखों को खोलें और हम ये समझें कि घटिया सियासतदान मुल्क या मुल्क में रहने वाले अफराद को किन मंजिलों पर पहुंचाकर कत्लगाहों की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सिलेक्शन एक गली का हो या एक इदारे का हो या एक मुल्क का हो, हमें मुस्तकिल तौर पर निगाह रखनी चाहिए और ऐसे लोगों से हमें परहेज करना चाहिए कि जो मुल्क में घटिया सियासत कर चुके हो या घटिया सियासत की दाग भेद डाल देना चाहते हो। हमें होशियार रहना पड़ेगा, समाज और माशरे को बेदार रहना पड़ेगा। अगर हम इस बेदारी में सोते रह जाएं, बेदार ना हो सके, तो आने वाली नस्लें हमें हमसे सवाल करेंगी और मौर्रिख का कलम हमारे बारे में जो कुछ लिखेगा उससे उसको अभी हम नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस बात को हम महसूस करते हैं, आज की तारीख में सियासत की गंदगी ने हर पेशे में अच्छी और बुरी चीजें होती हैं, अच्छे लोग बुरे लोग दोनों तरह के होते हैं। सियासत करने वाले साफ सुथरे अफराद की तादाद घटती चली जा रही है और गंदे सियासतदानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमें ये फैसला करना होगा कि हमारे अब हमारे आने वाले कल में हमारे हर मैदान में जो कायद हों वो किस तरह के हों। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुलंद मीनारे और ये जामिया हमदर्द के कयाम इस बात का सबूत देते हैं कि हमारे इसलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने जान पर खेलकर, अपनी जेबों में आग लगाकर, अपने घरों का
का माल खत्म करके इन इदारों का ख्याम किया है। अब आप सोचिए कि अगर जामिया मिलिया इस्लामिया को इतनी कुर्बानियों के बाद खड़ा करने वाले हमारे अजीम बुजुर्गों के इस विरासत पे अगर कोई ऐसा इंसान आकर बैठ जाए जिसे यहाँ के बारे में यही पता ना हो कि यहाँ डिपार्टमेंट्स कितने हैं, जिसे यही पता ना हो कि अंसारी ऑडिटोरियम के कितने लोगों की कैपेसिटी है, उसको यही पता ना हो कि यहाँ के पढ़ने वाले तलबा को कितनी परेशानियों का सामना है, उसे ये मालूम ना हो कि यहाँ के स्टाफ की जरूरियात क्या है, तो आप सोचिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया नहीं रहेगा, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। हमें तो ये तय करना पड़ेगा, आज हमें ये सोचना पड़ेगा, हम जज्बात में बहकर किसी के झूठे तकरीरों और मुगल्लेजात के दावे फरेब में आकर अगर हमने मुस्तकबिल में अपने इदारों के फैसले ऐसे लोगों के हक में कर दिए, तो आप जानिए जहां इस्लाम की तारीख, जहां जामिया के बुजुर्गों की तारीख लिखी जाती है तारीफों के साथ, जहां सर सैयद का जिक्र होता है दुआओं के साथ, और जहां हकीम अब्दुल हमीद जदीद सर सैयद का जिक्र होता है तारीफों के साथ, हमारा जिक्र किस चीज के साथ होगा अगर हम ऐसे कोई हिमाकत करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा लीडर मुंसिफ हो, इंसाफ करने वाला हो, ईमानदार भी हो, शरीफ भी हो, गुस्सा भी ना आता हो, हमारी बात भी सुनने की कुव्वत रखता हो, तो फिर हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारा जो कायद हो, जो किसी इदारे का रहबर हो, वो ऐसा हो जिसका दामन बेदाग हो, जिसके ऊपर कोई कीचड़ उछालने की जगह ना हो, जिसके ऊपर उंगली उठाने की गुंजाइश ना हो, जिसकी कुर्बानियों का सिलसिला इस्लामी कल्चरल सेंटर की शक्ल में हमारे सामने आया हो। हम सर सैयद को याद करते हैं, अगर वो बखुदा जिंदा रहते तो हम उन्हें जिंदा, अगर वो 200 साल के हो जाते कौम जब भी उनको जाने ना देती, बस में होता भी हम अपने हकीम अब्दुल हमीद साहब को दुनिया से जाने ना देते अगर हमारे बस में होता, लेकिन जो लोग हयात हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो हमारे बीच में सांस ले रहे हैं, चिरागे सहरी सही, लेकिन वो हम उनके लिए दुआएं करें और उनको संभाल कर रखें, इसलिए कि ये इदारों की बका का सवाल है, ये मेरे घर की बका का सवाल नहीं है। मेरे घर की बका का सवाल होता मैं कभी नहीं आता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक सेंटर को जो अभी जिक्र किया है एक बड़ी साजिश और बड़ी कॉन्स्पिरेसी के साथ, ये कोशिश है कि किसी तरह से इस इदारे पर बेरोजगारों का वो टोला कब्जा कर ले कि जिनकी न सियासत की दुकान चल रही है, न वकालत का धंधा चल रहा है, न उनके पास कोई और रोजगार बचा है। ये बेरोजगारों का टोला है जो ये चाहता है कि इसको ढाबे में तब्दील कर दें, जो ये चाहता है कि उनके पास एक ठिकाना हो जाए ताकि हुकूमतों से सौदेबाजी करके जेबें भरने का काम करें, वो ये चाहता है। मैं उनसे ये कहता हूं कि परेशान ना हो, शायद प्रधानमंत्री ने कोई ऐलान किया है बेरोजगारों को 2500 रुपए महीना मिलेंगे, ताकि वास पीछा छोड़ दें इस्लामिक सेंटर का। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और उनकी टीम और उनके रुफखा एक मजबूत हैसियत के साथ इस इलेक्शन में आए हैं, अपने काम की बुनियाद पर, काम में कमी रही हो, सेंटर पे कोई जवाल खुदा ना खास्ता आया हो, कोई खराबी पैदा हुई हो, कोई गंदगी आई हो, कोई करप्शन हुआ हो, कोई नाइंसाफी हुई हो, कोई जुल्म व ज्यादती हुई हो, बिल्कुल हिमायत मत कीजिए, लेकिन सेंटर देखकर अगर अंदर से रूह खुश होती हो तो एक एक वोट डालकर दुश्मनों की फिरका परस्तों की साजिश को नाकाम करने का काम कीजिए। इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा, बहुत सी बातें थी और प्यास बाकी रह गई, इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, सिराज भाई हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। और उनके लिए भी कहता चलूं कि उनको शिकवा ना हो कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, और तुम मुझे कत्ल तो करने नहीं आए लेकिन आस्तीनों में ये क्या चीज छुपा रखी है।